माइटोसिस में सेल अपने कंपोनेंट्स को इंटरफेज स्टेज में डबल करता है और सारे अपने मटेरियल्स, हेरिडिटरी मटेरियल्स सबको ये रेप्लिकेट कर लेता है और रेप्लिकेटेड मटेरियल को माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये दो बराबर हिस्सों में, दो सेल्स में डिवाइड करता है। तो ये एक तरह का ऐसा डिवीजन है जो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड मटेरियल्स को इक्वली दो सेल्स में डिवाइड कर देता है। इंटरफेज स्टेज में जिसमें G1, यस और G2 फेज होती हैं, इसमें अपने कंपोनेंट्स को यह डबल करता है। आप ये भी जानते होंगे कि हर एनिमल सेल में एक सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रोसोम वो रीजन है जो अपने अंदर ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स रखता है। तो सेल डिवीजन से पहले G2 फेज में ये जो सेंट्रियोल्स हैं अपने को रेप्लिकेट करते हैं एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए रेप्लिकेशन का उसमें क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। तो एनिमल सेल्स में ये अपने को रेप्लिकेट करके एक सेंट्रोसोम से दो या वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल से टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल से हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन है, ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है यस फेज में। अब इस सेल को डिवीजन में जाना है माइटोसिस के, तो माइटोसिस एक डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम इसको डिस्क्रीट स्टेजेस में नहीं बांट सकते हैं या इसको सेपरेट वैल्यू हम नहीं दे सकते कि ये इंटरफेज हो गई, ये प्रोफेज हो गई, ये मेटाफेज हो गई, ऐसी कुछ लाइन हम हार्ड एंड फास्ट नहीं ड्रा कर सकते हैं। लेकिन सुविधा के लिए हम इसकी सब स्टेजेस बना लेते हैं। G2 फेज में क्रोमोसोम्स अपने को कंडेंस करने लगता है और क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन होने लगता है, शार्ट होने लगता है और ठीक होने लगता है।